Hey guys, my name is Binish Nam, और हमारे साथ मौजूद हैं ये तीन लोग मोहम्मद नुमान मलिक. चलिए भाई, अब सिर्फ नुमान बोलेंगे ना, बहुत लंबा हो रहा है ना. मोहम्मद नुमान मलिक, और आप भी तो मुझे बिनिश बोलते हैं, मुझे बिनिश नाम थोड़ी बोलते हैं. मैं क्यों बोलूं आपको, चलते हैं बचपन में, मैं क्यों बोलूं मोहम्मद नुमान मलिक. मेरा नाम नहीं है बिनिश नाम, मैं भी सिर्फ नुमान बोलूंगी. जी नुमान, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? छुप छुप के क्या देखने वाले हैं आज हम लोग? छुप छुप के मूवी का कॉमेडी सीन यादव. ओह, राजपाल यादव. राजपाल यादव तो समझ ही गए सब, अब क्या होने वाला है. क्या हुआ? क्या बांधा था इसने? शादी के लिए बांधा था. किसकी शादी? श्रुति मैम साहब की. अच्छा, तो ये श्रुति का पति है? क्या बकवास कर रहा तू, मरवाएगा क्या? अरे वो चिल्ला चिल्ला के नहीं कह रहा था मैंने बांधा है, मैंने बांधा है. बांधे का मतलब शादी का मंडप बांधा उसने, कोई मंगलसूत्र नहीं. क्या ये मंडप है? मैंने तो सोचा घर है. तुम्हारे गाँव में ऐसे घर होते हैं साला डोंकी? घर नहीं, महल है. बड़े साहब का हुक्म था कि इस घर को आलिशान महल की तरह सजा दो. श्रुति मैम साहब की शादी है ना? शादी कब है? तारीख तो कब की निकल गई, जिस दिन शादी थी ना उसी दिन शादी टूट गई. शादी के ही दिन शादी टूट जाना कितने दुख की बात है. इसी मंडप में शादी टूटी थी और इसी मंडप में शादी होगी, ये कसम खाई थी मंगल ने इसी मंडप में. मेरे इजाजत के बगैर वो कौन होता है कसम लेने वाला मेरे मंडप में? अबे कसम क्या, तेरे से पूछ कर लेगा वो. ज्यादा बड़बड़ मत कर, भाड़ा तो तुझे मिल रहा है ना. देखो सर जी, फंसाओ मत मुझे. पहले ही दो तीन शादी और एक मंदिर का त्योहार, इन सब का एडवांस ले चुका हूँ. ये मंडप खोलकर मुझे उधर लगाना है. अगर तूने इस मंडप को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा. मजाक कर रहे हो या सच बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ. तो फिर ठीक है, बाकी ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. हाँ, और हाँ, अगर उस लड़की की शादी कभी नहीं हुई तो भगवान के लिए यह मत कहना कि इस मंडप को उसकी शादी के स्मारक के तौर पर छोड़ दो. अरे जब मंगल भैया ने कसम खाई तो घर के हर आदमी ने कसम खा ली कि जब तक श्रुति मैम साहब की शादी नहीं होगी तब तक घर में कोई दूसरा आदमी शादी नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? तो अच्छा हुआ, नहीं तो शादी कपड़े धोते धोते मैं शादी के लायक नहीं रहता. लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये शादी किसी भी हालत में होनी चाहिए, नहीं तो मेरी शादी कब होगी? तुम्हारी उम्र के हिसाब से इस घर में एक ही तुम्हारे लायक औरत है, वो मुच्छड़ की बीवी. लेकिन इसके लिए तुम्हें मुच्छड़ को रास्ते से हटाना पड़ेगा. ए, बकवास बंद कर रहा. मेरी तो वो रूपा. रूपा? रूपा के बनियान से शादी करेगा तू? अबे चुप, वो बनियान नहीं है, वो तो घाघरा चोली है जो रसोई घर में चप. अरे जिसने तेरी पिटाई की थी. क्या मारा? हेटर बंद कर, मेरा ड्रिंक बना. ये चिल्ला मत बना रहा हूँ, बात मत कर रहा हूँ. तेरा जमा होने चले इधर बन रहा ऊपर ऊपर जब मैं आराम से. लगता है मुझे आज बहुत चढ़ गई है, इसीलिए मुझे अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई दे रही है. अरे छोटा चेतन, या तो तू पी या तो फिर तू सो जा. मैं सो जाता हूँ. Hey, सो जा. क्या हल्ला हो रहा है? चुप कर कुत्ते, सो जा. Hey. साला इधर कोई है नहीं मेरी बात सुनने वाला. अरे मुझे बोलना है, इतने महीने से मैंने अपनी आवाज नहीं सुनी है. अरे कोई है क्या?
जी नौमान, बोलिए, मैंने भी आपकी आवाज नहीं सुनी है, आपको बोलना है। कैसी लगी कॉमेडी इनकी फिल्म? ये फिल्म देखी है? भी देखी है, ये फिल्म भी मेरी देखी भी है। अच्छा चलिए, ये दो तीन बार ये फिल्म मैं देख चुका हूँ, मेरी फेवरेट है ये फिल्म। अच्छा चलिए, तो भैया और अच्छी बात होगी, इनकी फेवरेट है, तब तक बहुत कुछ हमें बताने वाले हैं इस क्लिप के बारे में। भाई जब इतनी देखी, दो तीन चार बार देखी है, तो कुछ तो इसमें देखा होगा, कुछ तो इसमें अच्छा लगा होगा। यार जगह अच्छी है यार, मुझे इसकी स्टोरी बड़ी अच्छी लगी, इसके डायलॉग्स बड़े अच्छे थे, इसकी एक्टिंग बहुत पसंद है मुझे। किसकी? ये नाम नहीं पता, ये राजपाल यादव जो छोटे ये तो भाई कॉमेडी में। और अच्छा ऐसा होता है कि ना, जब आप जो करेक्टर कर रहे हैं ना, और उस करेक्टर में आप पूरे घुस जाएं, कि मतलब आपको ये ना हो कि नहीं यार, मतलब मैं क्या पहना हुआ हूँ, या मैं जो है ना टीवी पर आ रहा हूँ, तो फिर जब वो चीज़ आपके अंदर से खत्म हो जाती है ना, तो एक्टिंग पर निकल के सामने आती है। अब जिस तरीके से इनको जो करेक्टर दिया जाता है, हमने से पहले भी इनकी वीडियोज पे कई बार जो है ना रिएक्शन दिया, साड़ी पहनने वाली और ऐसी और वैसी वीडियोज पे रिएक्शन दिया, तो ये बिल्कुल उसके अंदर ना ढल जाते हैं ना, गेटअप पे कोई। अब जैसे मतलब बनियान और चड्डे में बैठे हुए, बाल बिल्कुल ऐसे बना लिए, शक्लें बनानी, मतलब ये नहीं सोचते यार मैं क्या लग रहा हूँ क्या नहीं। इसी वजह से देखिए कितने फेमस है, पब्लिक कितना पसंद करती है यार। मैं खुद इतना पसंद करती हूँ कॉमेडी में कि यार बड़ा इनका नाम सुनती हूँ तो यार बड़ा मजा आने वाला है, राजपाल यादव पे तो बड़ा मजा आने वाला है। ये जिस मूवी में होते हैं ये कुछ नया करते हैं, इनकी एक्सप्रेशन और इनकी बातें और इनके डायलॉग डिलीवरी जो है वो बस कमाल कर देते हैं हर वीडियो में। मैंने इनकी जितनी भी मूवीज देखी हूँ, मेरे फेवरेट हैं ये एक्टर। अच्छा करीना भी इसमें बड़ी प्यारी सी लग रही है, प्यारी सी और बहुत इनोसेंट सी, क्यूट सी बच्ची टाइप बनाया मेरे ख्याल से, ऐसा गेटअप बेटअप लुक कुछ ऐसा दिया है ना कि बड़े अच्छे से। और इसमें वो बोल भी नहीं सकती है करीना, नहीं बोल सकती। शाहिद का बताएं, शाहिद ने जो इसमें एक्टिंग की, टाइम से वो बंदा बोल नहीं पा रहा है, वो बिल्कुल यूं बना हुआ एक्टिंग कर रहा है, लेकिन जब पीने के बाद वो कहता है मैं कुछ तो बोलना चाहता हूँ, कितने दिन से मैंने अपनी आवाज नहीं सुनी इस तरह से, फिर वो अचानक से बोलता है, फिर ये लोग ये खुद पिए भी बड़ी बात है। हमारे तो घर वाले कहते हैं बस चुप, अब कुछ नहीं आगे। नहीं वो मेरी तरह बना हुआ है, तो चुपचाप देने वाला। ये सही बोला, बना हुआ है, पहली बार इन्होंने सही बात बोली, नोट कीजिए, बना हुआ है। लेकिन मेरे कहने का मतलब जैसे आदत होती है ना, जिसको चुप रहने की आदत होती है, जब वो एकदम से बोलता है मतलब बहुत मुश्किल है, ज्यादा बोलने में उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो ज्यादा बोलने वाले होते हैं वो एकदम से चुप हो जाए, और फिर इतने लॉन्ग टाइम के लिए मतलब चुप हूँ, तो उनका बड़ा बहुत है। अच्छा मेरी आदत है ना बोलने की, ना मुझे बहुत बोलने की आदत है ना, आप नहीं, आप तो नहीं जानते होंगे, आपके सामने से कम ही बोलती हूँ। एक होता है ना बोलने की आदत है, और मैं थोड़ा सा भी चुप रह लूँ ना कि हाँ मैं सिर्फ यही कि एग्जाम्पल दे दूँ, ये बोल रहा मैं चुप रह लूँ, मुझे होता है कि नहीं यार मुझे बोलना चाहिए, मेरा मुँह पेन कर रहा है। ऐसा होता है, कम फील होगा बोलने, तो ना ऐसा होता है कि जो है ना जिसको जिस चीज़ की आदत होती है ना कि बोले। अच्छा लेकिन इसमें जैसे एकदम से दिखाया कि यार शादी का टैंट का इस तरीके से, बड़ा सीरियस महिला होता है वो शादी, और फिर वो जिस तरह से करीना ने वो सुना है, फिर एक्सप्रेशन दिए अपने, वो मतलब रियलिटी में भी अगर इस चीज को सोचते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार एक हम तो चले हंसी मजाक में जी कॉमेडी सीन है, इसमें हमने कॉमेडी सीन कर लिए और इस तरह की बात, लेकिन दिल पर लगता है। एक ऐसा सीन था जो बिल्कुल दिल पे लगता है, किसी के कोई भी देखेगा उसके दिल पे लगेगा, जैसे किसी मंडप में अगर शादी होगी तो इसी में होगी। आपके तो बहुत बार लगा होगा, आपने तो बहुत बार देखी, हर बार दिल पे लगा, एक ही बार लगा, हर बार दिल पे लगा, हर बार लगा मतलब आज भी लगा, आज भी लगा। चले फिर सही, अगर हर बार लगा आज भी हमारे साथ भी बैठ के लगा तो सही है, मतलब बंदा नॉर्मल है। लेकिन अच्छा इनका इनका नाम जहाँ आता है ना राजपाल यादव का, तो मुझे वही ना अंदर से मतलब ऊपर से मुझे स्माइल ना भी आए ना, तो अंदर से ना मुझे गुदगुदी वाली फीलिंग्स हो जाती है कि यार मतलब जल्दी से देखूं क्या है, दो चार लोग ऐसे हैं, हाँ और ना दो चार लोग ऐसे हैं कि मैं उनका टाइटल पढ़ लूँ ना, उनका नाम अगर इसमें पढ़ लूँ तो मुझे होता है कि यार चले जिसे प्ले करते हैं देखते हैं लोग क्या करने वाले हैं उनके, फिर सीन्स पे देख के एकदम जो हमारे रिएक्शन आते हैं ना वो मुझे मेरे मतलब रिएक्शन आते हैं देख कर ना, मुझे बड़ा मजा आ रहा होता है, क्योंकि मैं तो इन लोगों के साथ देखी पहली बार रही होती हूँ, अब आपकी तरह तो नहीं ना मैं घर पर चार पाँच छः सात बार देख लूँ। जी नौमान, अब आप बताएं ना सब्सक्राइबर को कुछ बोले यार, चैनल ही कम से कम सब्सक्राइब करने का बोल दें, इतनी बार मूवी देखी है एक बार चैनल सब्सक्राइब करने का बोल दें हमारा, हमारा तो हमारा है ना भाई, हमारा है ना, तो बोले ना, बोलो आप। देखिए अब तो मुझे ना हमदर्दी भी नहीं आ रही है ना, क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि ये बने रहे हैं, इन्होंने बोल दिया ये बने हुए ना, तो मुझे हमदर्दी भी नहीं आ रही, हमदर्दी खत्म हो गई, मतलब कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, एक्सप्रेशन लेस बंदा है यार। चले नहीं
नहीं, ऐसी बात नहीं है, तो हंसी मजाक चलता रहता है, इनसे एक हंसी मजाक चल रहा है, ऐसी बात नहीं है कि जो ये भी सोच रहा है कि यार मैं इनके साथ ऐसा करूँ ऐसा करूँ, ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ एक हंसने हंसाने के लिए, हंसी मजाक के लिए बात है, वो मसला नहीं है। सब्सक्राइबर को पता है, मैं ना भी बोलूँ तो खुद ही समझ गए होंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और जो है ना सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए। अब देखिए, हम जब यही समझ गए तो आप लोगों को तो कितना बोला है यार मैंने, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें, आपके पास नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, अब मुझे और नौमान को इजाजत दीजिएगा, बहुत जल्द फिर से इसी तरीके से हंसते हंसाते नई वीडियो के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।